संधि। बच्चों, संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। जैसे राम और अवतार। राम अवतार में राम का अंतिम वर्ण अ तथा अवतार का प्रारंभिक वर्ण अ के परस्पर संयोग से आ ध्वनि बनती है। वर्णों के इस प्रकार के मेल या संयोग को ही संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, संधि के मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर में स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। आइए उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण। दीर्घ संधि के उदाहरण अ और अ, आ। राम और अनुज, रामानुज। इ और इ, ई। कवि और इंद्र, कवींद्र। उ और उ, ऊ। वधु और ऊर्जा, वधूर्जा। ऋ और ऋ, ऋ। मातृ और तृष्ण, मातृष्ण। मातृ और तृष्ण, मातृष्ण। गुण संधि के उदाहरण अ और ई, ए। नर और इंद्र, नरेंद्र। आ और ई, ए। महा और इंद्र, महेंद्र। अ और उ, ओ। नर और उत्तम, नरोत्तम। अ और ऋ, अर। राज और ऋषि, राजर्षि। वृद्धि संधि के उदाहरण अ और ए, ऐ। पुत्र और एषणा, पुत्रैषणा। आ और ए, ऐ। सदा और एव, सदैव। आ और ऐ, ऐ। माता और ऐश्वर्य, मातैश्वर्य। आ और औ, औ। महा और औषध, महौषध। यण संधि के उदाहरण इ और अ, य। यदि और अपि, यद्यपि। इ और आ, या। इति और आदि, इत्यादि। ई और आ, या। नदी और आगमन, नदियागमन। उ और आ, वा। सु और आगत, स्वागत। अयादि संधि के उदाहरण ए और अ, ऐ। ने और अन, नयन। ऐ और अ, आय। नई और अक, नायक। स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन तथा व्यंजन के वर्णों परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक और अंबर, दिगंबर। षट और आनन, षडानन। सम और मार्ग, सन्मार्ग।
सत और जन सज्जन, अनु और छेद अनुच्छेद, अच और अंत अजंत, जगत और आनंद जगदानंद, उत और चारण उच्चारण। आओ बच्चों, अब विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करते हैं। विसर्ग तथा किसी व्यंजन या स्वर के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः और ते नमस्ते, निह और फल निष्फल, निह और आकार निराकार, निह और चय निश्चय, निह और मल निर्मल, दुह और कर्म दुष्कर्म।